हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले, यदि आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन हो तो उसके डायल पैड के बैकग्राउंड और कलर पैड के बैकग्राउंड में आप अपना इमेज कैसे लगाएंगे, उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन हो तो उसमें प्ले स्टोर में जाना होगा। तो प्ले स्टोर पर जो भी क्लिक करेंगे, देख सकते हैं हमारे फ़ोन में, तो क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद सर्च बार में इसके जाइएगा, यहाँ पर सर्च कीजिएगा कि माई फोटो फोन डायलर, ऐसे लिख देंगे। माई फोटो फोन डायलर लिख के आपको क्या करना है कि सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे माई फोटो फोन डायलर का दूसरा ऐप आया, इस पर क्लिक कीजिएगा और इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉल पे जो भी क्लिक करेंगे इंस्टॉलिंग होने लगेगा। इंस्टॉलिंग होने के बाद डाउनलोडिंग होगी, इसके बाद ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ओपन का ऑप्शन जो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो ओपन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसके बाद जो जो परमिशन आपसे मांगा ऐसे ऐसे टाइप करते जाइएगा, देखिए स्क्रीन पे टैप करते जाइएगा, ऐसे जो जो परमिशन मांग रहा है यहाँ से टैप करते जाइएगा। जो ऐसे टैप कर रहा है स्लाइड करने के लिए, देख सकते हैं, तो इस पे जाके यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसे स्लाइड कर दीजिएगा। स्लाइड करने के बाद डबल टैप कर रहा है तो इस पे यार डबल टैप कर दीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे स्लाइड करने के लिए नीचे कर रहा है तो ऐसे कर दीजिए। उसके बाद ओके परमिशन मांग रहा है तो यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो जो कॉल हिस्ट्री जो जो परमिशन मांग रहा है उसको पूरा परमिशन आप दे दीजिए। देखिए सारे टिक को टिक कर दीजिए, जितने भी टिक हाईलाइट नहीं है उसको हाईलाइट कर दीजिए। देखिए इसके बाद नीचे ये भी नहीं है तो इस पर भी कर दीजिए। सारे करने के बाद आपको बैक चलना है, बैक बटन से बैक करेंगे जो भी तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको आ जाएगा इस प्रकार का ऑप्शन, तो कलर पे यदि अपना फोटो लगाना तो कलर पे क्लिक कीजिएगा। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड देगा। यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि कॉर्नर में एक लोगो दिखाई दे रहा होगा कलर का, देख सकते हैं यहाँ पे, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दे रहा होगा, देख सकते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यदि पिक इमेज चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन इमेज लगा सकते हैं। यदि गैलरी से लगाना चाहते हैं तो पिक इमेज पर क्लिक कीजिएगा। पिक इमेज पर जाने के बाद फिर पिक इमेज पर क्लिक करेंगे यहाँ से और आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। जो भी अपने गैलरी में से इमेज अपना लगाना चाहते हैं आप डायल पैड के बैकग्राउंड में या कलर पैड के बैकग्राउंड में, यहाँ से जाइएगा और जो भी इमेज लगाना है उस पर क्लिक कीजिएगा। उस इमेज पर क्लिक करने के बाद क्रोपिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ से क्रोपिंग कर लीजिएगा। क्रोपिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे यहाँ से। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं सक्सेस हो गया है। इसके बाद एड आएगा, एड आएगा तो एड को क्या करना है आपको स्किप कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया है, अप्लाइड हो गया है, यानी अब बैक करके आपको दिखा दे। जो भी आपके फ़ोन में कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। यदि अपना फोटो लगाए तो अपना फोटो बैकग्राउंड में दिखाई देगा। फिर आपको लगाना है डायल पैड पर, डायल पैड पर जाइएगा। वहाँ से कीबोर्ड पर जाने के बाद क्या करना है कि आपको फिर उसी वाले ऑप्शन पे कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी बैकग्राउंड पे जाकर पिक इमेज पे जाइएगा इमेज पे। और पिक इमेज पे जाने के बाद यहाँ से जो फोटो लगाना चाहते हैं डायल पैड के बैकग्राउंड में उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसको सेलेक्ट करके क्या करना होगा कि ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो भी आपको फोटो लगाना है डायल पैड के बैकग्राउंड में तो उसको सेलेक्ट करके वैसे ही क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा, वैसे ही अप्लाई कर देंगे तो छोटा सा एड आएगा, इसको स्किप कीजिएगा। और स्किप करने के बाद ऐसे चलेगा, देख सकते हैं कि आपके कीबोर्ड के जो डायल कीबोर्ड है उसके बैकग्राउंड में इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और आप जो भी बैकग्राउंड में लगाए होंगे लग के तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन के डायलर में यहाँ से चल जाएंगे कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, देख सकते हैं यहाँ से कीबोर्ड में दिखा दे रहा हूँ, डायल करके देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आके वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार अपने डायल पैड को स्मार्ट बना सकते हैं इस एप्लीकेशन के सहायता से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।